हेलो एवरीवन, टीओसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर टू के क्वेश्चंस अभी कर रहे थे। 2016 तक के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। और वैसे एक 2015 का ना एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, पीडीए का एक क्वेश्चन था जो हमारा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, एक 2015 का पीडीए का क्वेश्चन रह गया। तो पहले मैं उसको करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अपने जो 2016 के कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं एंड उन सबको देखेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो देखो भाई, ये है भाई 2015 का क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2015, पीडीए का ये क्वेश्चन है। इसको जरा फटाफट से हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास देखो क्यू, दैट इज सेट ऑफ स्टेट्स, ये गिवन है। सिग्मा है हमारे पास 01, मतलब बाइनरी स्ट्रिंग हम इनपुट करेंगे। टाउ, दैट इज पुश डाउन सिंबल, इज 01, और ये कुछ इन्होंने एक सिंबल बना के दे रखा है ना। और डेल्टा है मतलब ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट आवर इनिशियल स्टेट, और ये जो यू कैन से सिंबल है, दिस इज, आई थिंक आप गैस कर पा रहे होगे, इनिशियल पुश डाउन सिंबल है ये। ठीक है, दिस इज इनिशियल पुश डाउन सिंबल। आपको याद आ रहा होगा, अभी कोई भी पीडीए होता है तो हम उसको 7 टपल से रिप्रेजेंट कराते थे। तो ये 7 टपल उन्होंने लिख रखे, देखो फर्स्ट फर्स्ट टपल है ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ, है ना। तो ये 7 टपल से, एफ आपको पता भी फाइनल स्टेट होती थी, क्यू नॉट हमारी इनिशियल स्टेट है, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है, तो ये सिंबल हमारा क्या हो गया भाई, इनिशियल पुश डाउन सिंबल। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे हम जेड नॉट लेते थे इनिशियल पुश डाउन सिंबल, तो इन्होंने ये सिंबल ले रखा है एज ए इनिशियल पुश डाउन सिंबल। ठीक है जी, चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, वेयर एज एज पर यूजुअल कन्वेंशन, क्यू इज द सेट ऑफ स्टेट्स, क्यू इज द इनपुट अल्फाबेट, टाउ इज द स्टैक अल्फाबेट, है ना, डेल्टा इज द स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट। ये देखो इन्होंने आगे बोला भी है, दिस इज द इनिशियल स्टैक सिंबल, ये इनिशियल पुश डाउन सिंबल इन्होंने प्रॉपर बता भी दिया है। वैसे तो मैंने यहीं से आपको देख करके बता दिया, बट इन्होंने प्रॉपर थ्योरी में आपको समझा भी रखा है। आगे क्या कह रहे हैं, एंड थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको ना, थोड़ा देख जाएगा आपको ढंग से। हां जी, आगे क्या कह रहे हैं, एंड एफ इज द सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स। ठीक है जी, ओके जी, तो द स्टेट ट्रांजिशन इज एज फॉलोस। ठीक है, तो एफ हमारी वही फाइनल स्टेट है और ये ट्रांजिशन हमारे को गिवन है। अच्छा जी, और आगे आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस मस्ट फॉलो द स्ट्रिंग ये 101100 सो दैट द ओवरऑल स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द ऑटोमेटॉन। ठीक है, तो पूरा स्ट्रिंग हमारे को एक्सेप्ट कराना, तो ये इसके पीछे क्या आना थी, बस हमसे ये पूछ रहे हैं। तो देखो भाई, अगर आप इसके ट्रांजिशन देखोगे ना, इन्होंने थोड़ा सा अलग स्टाइल से बनाया। एक्चुअली पीडीए ना हर एक किताब में आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा, वैसे इनको प्रॉपरली समझाना चाहिए था यहाँ पे जेड क्या है, क्योंकि इन्होंने जेड के बारे में कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो बट ठीक है, अगर इन्होंने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जेड ना हमारे पास एंटायर, आप ऐसे समझ लो, जेड इज नथिंग बट द एंटायर कंटेंट ऑफ स्टैक, एंटायर कंटेंट ऑफ स्टैक। ठीक है, जो जितना भी स्टैक का कंटेंट है वो पूरा को पूरा जेड से हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। और ये हम कैसे, मतलब ये क्या है भाई, एंटायर कंटेंट ऑफ स्टैक मतलब रीड कैसे कर रहे हैं, टॉप टू डाउन। ठीक है, टॉप टू डाउन मतलब इन द सेंस, जैसे सपोज करो हमारे पास स्टैक के अंदर है जी ए बी ए और बी, ऐसे समझ लो। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, थोड़ा ठीक लगेगा आपको। ए बी, अब वही बात है भाई, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, जैसे ले लो ए बी ए बी। ठीक है, तो हम ऐसे ये ए बी ऐसे पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट मतलब ए बी ए, तो जेड इज योर ए बी ए बी, तो जो भी प्रेजेंट कंटेंट है ना आपका स्टैक का, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक है, और ये कितना भी हो सकता है, मतलब कितने भी सिंबल्स हो सकते हैं, चाहे एक हो चाहे 10 लाख हो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर इनिशियली हमारे पास ये है स्टैक के अंदर, मतलब जो कि इनिशियल पुश डाउन सिंबल था, तो हमारा जेड की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ यही रहेगी, एंड सॉन्ग बस। अगर आप इस चीज को पकड़ गए हो तो क्वेश्चन हम बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो भाई हम फंसेंगे, हमारे को एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इन्होंने वैसे प्रॉपर बताया नहीं है, बट ये बताना चाहिए था, और काफी बुक्स हैं जो ये नोटेशन यूज करती हैं, इसलिए शायद इन्होंने नहीं बताया है। वैसे हर एक किताब की अलग अलग कहानी है, मैंने आपको जो पीडीएफ पढ़ाया था दैट वॉज स्टैंडर्ड पीडीए, जो मैंने पीडीए के लगभग 10 वीडियोस बनाए ना भाई, मैंने आपको बहुत बार समझाया है, 10 वीडियोस मैंने बनाए हैं पीडीए पे, 11-12 घंटे मैंने पीडीए पढ़ाया और पूरी डिटेल नॉलेज आपको दी है पीडीए के बारे में। बट वही बात है, कई की बारी कुछ नॉन स्टैंडर्ड थिंग्स आ जाती हैं, तो ये सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार आया आज तक गेट की हिस्ट्री में, इस टाइप का क्वेश्चन और कभी आया नहीं है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है पीडीए को ट्रांजिशन दिखाने का। बट ठीक है भाई, इन्होंने दिखाया तो हमारे को मानना पड़ेगा, तो मैंने आपको समझा दिया भाई जेड यहाँ पे क्या बता रहा है, एंटायर कंटेंट ऑफ स्टैक, टॉप टू डाउन हम उसको रीड कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है जी, चलो अब पढ़ो, देखो आप देखो क्या कह रहे हैं, क्यू नॉट पे हम खड़े हैं, तो 1z, तो 1z मतलब इन द सेंस जो भी पहले कंटेंट था स्टैक का उससे हमारा मतलब नहीं है। जैसे ही आपने 1 पढ़ा तो आप 1 भी साथ साथ पुश कर रहे हो, तो z मतलब एंटायर कंटेंट ऑफ स्टैक हमारे पास है ही, और उसके ऊपर हमने 1 पुश कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही 0z का मतलब क्या होगा, जो भी हमारा स्टैक का कंटेंट था वो है ही है, उसके ऊपर हमने 0 डाल दिया, मतलब 0 इज पुश डाउन टू द स्टैक। तो सिंपल बात इतनी करूंगा, चाहे 1 है चाहे 0, हम सारे सारे पुश करते चले जाएंगे, इनिशियल स्टेट पे खड़े रहेंगे। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद फिर इसने क्या कहा है,
चाहे जीरो, अब देखो ये स्लैश से आप समझ पा रहे हो, चाहे आपने जीरो पढ़ा, चाहे आपने वन पढ़ा, चाहे आपने नल पढ़ा, नल मतलब नथिंग, यू हैव रेड नथिंग फ्रॉम द टेप, और जेड मतलब जो भी हमारे कंटेंट था स्टैक का, आप उसको एज इट इज ही रहने दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो चाहे जीरो पढ़ा, चाहे वन पढ़ा, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपने आपके जो भी स्टैक के कंटेंट थे आप उसको ऐसे छोड़ देते हो, तो मतलब जीरो वन हम इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्टली डायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं। तो मतलब आप नॉन डिटरमिनिज्म के सेंस आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना भाई? जीरो वन हम सारे सारे पुश करते चले जा रहे हैं, जीरो हो या वन हो हम सभी के सभी पुश करते चले जा रहे हैं, और पुश करने के बाद फिर बाद में हम जो लास्ट में एक वन पढ़ रहे हैं या जीरो पढ़ रहे हैं जो भी कुछ है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट इन द सेंस मतलब बीच में हमने कोई जीरो वन पढ़ा हमने उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद फिर देखो भाई, अगर आप जीरो पढ़ते हो, ठीक है, टेप से आपने जीरो पढ़ा, वन जेड मतलब स्टैक में सबसे ऊपर वन था, तो आप जेड पुश कर रहे हो, मतलब जीरो और वन की कटाई कर रहे हो। ऐसे अगर आपने वन पढ़ा है तो आपने इधर जीरो पढ़ा होगा, स्टैक स्टैक में से अगर आपने जीरो पढ़ा होगा तो आप वन और जीरो की कटाई कर रहे हो। ठीक है, काटते काटते हम टेप से कुछ भी नहीं पढ़ते, हमारा एंड मार्कर हमारे को मिल जाता है, सॉरी एंड मार्कर क्या, ये इनिशियल पुश डाउन सिंबल मतलब स्टैक हमारा खाली हो जाता है। ये सिंबल मिलने का मतलब क्या है, स्टैक हमारा खाली हो गया। ठीक है जी, स्टैक हमारा खाली हो गया तो हम नल मतलब नथिंग इज पुश्ड टू द स्टैक और हम फाइनल सेट पे आके खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ है हमारे पास। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हम जीरो और वन जितने चाहे उतने सब पुश कर सकते हैं, पुश करने के बाद फिर हम एक बीच में कहीं पे भी जीरो या वन कुछ पढ़ते हैं, राधा थोड़ा अच्छा बोले तो एग्जैक्ट मिडल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल की बात कर रहे हैं। पहले जीरो और वन हम सब पुश करते चले जाते हैं, और जो बीच में मिडल में हमारे पास जीरो होगा या वन होगा, नल को दो मिनट के लिए इग्नोर करो, जीरो होगा या वन होगा मिडल में जो बैठा होगा बिल्कुल एग्जैक्टली, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, मतलब कटाई वाला माइंड हो जाता है। तो कटाई वाले माइंड पे हम क्या कहेंगे, टेप से जीरो पढ़ोगे तो स्टैक से वन पढ़ना है, और टेप से वन पढ़ोगे तो स्टैक से जीरो पढ़ना है, उनकी कटाई करनी है। देखो अगर यहाँ पे जीरो जीरो या वन वन होता तो फिर तो हम समझ जाते हैं भाई ये तो पैलिंड्रोम वाली कहानी चल रही है ना, क्योंकि हम कह देते हैं कि हमने जो भी स्टैक के अंदर पुश किया था हम फिर स्टैक से जीरो पढ़ रहे हैं और टेप से भी जीरो पढ़ रहे हैं तो काट रहे हैं एंड सो ऑन। प्लीज ये आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो प्लीज मेरे कंस्ट्रक्शन पीडीए के वीडियो देखो, मैंने वो सारे एक्सप्लेन कर रखा है पैलिंड्रोम के लिए हम पीडीए कैसे बनाते हैं एंड सो ऑन। तो वो कहानी होती है पीडीए की, पैलिंड्रोम की, अगर जीरो जीरो और वन वन ऐसे कुछ होता, समझ पा रहे ना भाई? ये देखो ये होता, अगर जीरो जीरो जेड तो जेड, या फिर वन वन जेड और जेड, अगर ऐसे हमारे पास कुछ कहानी चल रही होती, समझ पा रहे हो? टेप से पढ़ा जीरो, स्टैक से भी हमने एक किस्म से जीरो ही पढ़ा है, जेड मतलब जो बाद वाले सिंबल है उन सबको छोड़ो, ऊपर ऊपर हमारे पास जीरो, टॉप पे जीरो है। हाँ जी, तो हम काट रहे हैं उसको, है ना? आप समझ पा रहे हो ये सब? मेरे ख्याल से मेरे को बोलने जरूरत नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात होती है, पैलिंड्रोम की कहानी होती, लेकिन ये पैलिंड्रोम नहीं बन रहा, यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है। उल्टा काम इन द सेंस मतलब जीरो पढ़ रहे हैं तो इस स्टैक से आपको वन पढ़ के आना है। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पता क्या कर रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं। ठीक है जी, और वंस कॉम्प्लीमेंट भी रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हैं, तो इसका मतलब लैंग्वेज पता है क्या है? देखो थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा, जो भी आपने स्ट्रिंग पढ़ा, से आपने डब्ल्यू स्ट्रिंग पढ़ा, तो उसके बाद आपको एक जीरो पढ़नी है, उसके बाद डब्ल्यू रिवर्स आना चाहिए बट उसका वंस कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो मैं इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, ठीक है, या फिर यूनियन में करके लिख देता हूँ। डब्ल्यू स्ट्रिंग आपने पढ़ा कोई भी, जीरो वन का कैसे भी बाइनरी स्ट्रिंग हो सकता है, उसके बाद आपको एक वन पढ़ना है, और वन पढ़ने के बाद देखो ये जीरो पढ़ के मतलब आपका माइंड सेट चेंज हो रहा था, या फिर वन पढ़ के भी आपका माइंड सेट चेंज हो रहा था, तो हम वन भी बोल सकते थे। तो डब्ल्यू आपने स्ट्रिंग पढ़ा, वन पढ़ लिया, वन पढ़ने के बाद फिर आपको डब्ल्यू रिवर्स चाहिए बट उसका वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए। प्लीज इस बात को बार बार समझो, डब्ल्यू रिवर्स डायरेक्टली नहीं कह रहे हम लोग, डब्ल्यू रिवर्स का वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जीरो ए से वन को काट रहे हैं, वन से जीरो को काट रहे हैं, बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर जीरो जीरो और वन वन ऐसे हम कटाई कर रहे होते, वन कॉमा वन जेड, समझ पा रहे हो? वन कॉमा वन जेड जेड तो मतलब वन से वन की कटाई, जीरो से जीरो की कटाई, तो हम पैलिंड्रोम की कहानी बोल देते, बट ये पैलिंड्रोम वाली कहानी नहीं, मतलब डब्ल्यू रिवर्स नहीं आ रहा, डब्ल्यू के पीछे डब्ल्यू रिवर्स नहीं आ रहा, डब्ल्यू के पीछे डब्ल्यू रिवर्स का वंस कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। प्लीज इस बात को समझो आराम से, और रिवर्स क्यों कर रहे हैं वो सब आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे हो, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इतना आपको पता लगता है, है ना? तो ठीक है जी, तो ये सब हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर नल वाली कहानी थी, तो फिर हम यहाँ पे ये भी डाल देंगे, मतलब बिना कुछ पढ़े तो मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू आर का वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो ये है हमारी एक्चुअल लैंग्वेज। ठीक है, तो दिस इज योर एक्चुअल लैंग्वेज, ओके, प्लीज इस बात को माइंड में रख लो। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से आपको दिख जाए यहाँ पे, ओके, सो दिस इज योर एक्चुअल लैंग्वेज। अच्छा जी, तो बस अब अगर हमारे को लैंग्वेज की पहचान हो चुकी है तो हम बड़ी जल्दी अपना काम खत्म कर लेंगे। ठीक है जी, तो बस वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, उल्टा करना है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये देखो ये है हमारे पास स्ट्रिंग, क्या 1011100 है, ये स्ट्रिंग है ना भाई,
ठीक है। अच्छा, और ऑप्शंस देख लो ताकि आपको पता लग जाए कि ये ऑड वाली बात है या इवन वाली बात है। तो पहले ये देख लो, मतलब ऑड इवन समझ पा रहे हो ना। देखो ये तो हो गया जी ऑड लेंथ के स्ट्रिंग्स, ये भी हो गए ऑड लेंथ के स्ट्रिंग, बट ये हो गए जी इवन लेंथ के स्ट्रिंग। तो सभी एक्सेप्ट हो रहे हैं यहाँ पे, आप समझ पा रहे हो गए। तो अब आप ये देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 लेंथ का ये स्ट्रिंग है, तो ऑप्शन चेक करो भाई। ऑप्शन में देखना कितने लेंथ के स्ट्रिंग रखे, 1 2 3 4 5, ये भी 5 लेंथ का है, ये भी 5 लेंथ का है, ये भी 5 लेंथ का है, और ये भी 5 लेंथ का है। तो 5 लेंथ का है इसका मतलब आपने ये देखो 1 2 3 4 5, तो फिर ये वाला 0 जो है, इस 0 को हम लोग इग्नोर करेंगे। इस बात को आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो मतलब 1 0 डबल 1 0, तो ये पार्ट ऐसे समझो, थोड़ा और अच्छे से बोलो इग्नोर वाली बात को। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो मैं ये बोलूंगा जी ये हो गया जी हमारा W, ठीक है जी। इस वाले 0 को हम एक किस्म से इग्नोर करेंगे, मतलब हम स्टैक के अंदर कुछ नहीं करेंगे, हम इसको उठा के फेंक देंगे, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। ये वही वाला जो है फेंकने वाला है, तो हमने इसको फेंक दिया। और उसके पीछे अब इसका रिवर्स वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ आना चाहिए। तो ये 0 है, तो 0 का वंस 0 का 1 बना देंगे, फिर ये 1 था तो फिर इसको 0 बना देंगे, फिर ये 1 था तो हम इसको 0 बना देंगे, ये 0 था तो इसको 1 बना देंगे, और ये 1 था तो हम इसको 0 बना देंगे। तो ये आएगा जी 1 0 0 1 0। ऑप्शन चेक करो भाई, 1 0 0 1 0, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है जी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बार बार समझा रहा हूँ भाई, रिवर्स क्यों कर रहे हैं एंड सो ऑन भाई, इतना मेरे से मत बुलाओ। ये सब चीजें आपको पता है, क्योंकि जब आपने एक बार स्टैक के अंदर पुश कर दिया, ये देखो ऐसे समझो, अगर आपने ये देखो इसको पुश कर दिया है 1 0 डबल 1 0, ये सारा का सारा स्टैक में जा चुके हैं, और लास्ट में हमारे पास एंड मार्कर भी है ना। तो एंड सॉरी, पता नहीं क्यों बार बार मेरे मुंह से एंड मार्कर निकल रहा है। ये जो इनिशियल पुश डाउन सिंबल, ये है जी हमारा इनिशियल पुश डाउन सिंबल। तो मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। हाँ जी, तो हम देखो ये हो गया हमारा इनिशियल पुश डाउन सिंबल, उसके बाद 1 0 डबल 1 0 ये हमने पुश कर लिया, इस 0 को उठा के फेंक दिया। अच्छा जी, अब देखो, अब अभी आप चेक करो, देखो ये सभी आपने, ये सब चीजें आपने पुश करी ना भाई, 1 0 डबल 1 0, तो ये सभी इनिशियल सेट से सारी सारी पुश हो जाएंगे, ठीक है जी। पुश होने के बाद फिर हमने ये जो एक 0 पड़ा था, इस 0 को हमने इग्नोर करके हम Q1 स्टेट पे आ चुके हैं। Q1 स्टेट की कहानी को भी देखो, 0 1 z या फिर 1 0 z, है ना। और हम जेड जेड पुश कर रहे हैं स्टैक में, तो मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली हम कटाई करना शुरू कर रहे हैं। और कटाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, जब टेप से 0 पड़े तो स्टैक से 1 पड़े, और जब टेप से 1 पड़े तो स्टैक से 0 पड़े। तो वही चीज आप देखो आराम से, जब आपने यहाँ से 1 पड़ा तो टेप से आपने 1 पढ़ा, ये टेप पे होगा ना इनपुट, टेप पे आपने 1 पढ़ा तो स्टैक से आपने 0 पढ़ा, तो लो जी कटाई। फिर टेप पे आपने 0 पढ़ा तो स्टैक से आपने 1 पढ़ा कटाई, टेप से आपने 0 पढ़ा तो स्टैक से आपने 1 पढ़ा कटाई, टेप से आपने 1 पढ़ा स्टैक से 0 पढ़ा कटाई, टेप से आपने 0 पढ़ा स्टैक से 1 पढ़ा तो कटाई, एंड सो ऑन। और एंड मार्कर हमारे को मिल गया, स्ट्रिंग हमारा खत्म हो चुका था, तो हम फाइनल सेट पे आके खड़े हो जाएंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। बस यहाँ पे जो मेन बार बार समझा रहा हूँ, क्रक्स जो मेन बात थी वो सिर्फ यही थी, आपको जेड पकड़ में आना चाहता कि एग्जैक्टली जेड है क्या, ठीक है जी। तो एग्जैक्टली जेड क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, कि एंटायर कंटेंट ऑफ स्टैक है ना, और टॉप टू डाउन हम उसको रीड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बस अब आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। तो लैंग्वेज कैसी है वो भी आपको समझा चुकी है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। पैलिंड्रोम वाली चीजें मैंने आपको करा रखी है ना भाई, बस पैलिंड्रोम को इन्होंने बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, कि जैसे हम जब कटाई करा करते थे तो 0 0 z या फिर 1 0 0 z और z, मतलब हम 0 0 की कटाई करते थे या 1 1 की कटाई करते थे, है ना। मतलब टेप से 0 पड़ा स्टैक से भी 0 पड़ते तो काट लेते थे, या टेप से 1 पड़ा स्टैक से 1 पड़ा तो काट लिया करते थे। लेकिन अब इन्होंने उल्टा काम कर दिया, तो मतलब टेप से आपने 0 पड़ा स्टैक से आपने 1 पड़ा तो काटा है, और टेप से आपने 1 पड़ा स्टैक से आपने 0 पड़ा तो काटा है, बिल्कुल उल्टा काम करके काट रहे हैं। तो डायरेक्टली डायरेक्टली वंस कॉम्प्लीमेंट वाली कहानी है, आपको समझा, ठीक है जी। चलिए ठीक है, ओके, मैं ज्यादा नहीं बोलता, इसमें टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं, है ना। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, मैंने एक स्क्रीन पे कर देता हूँ, फटाफट से सब चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूँ। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से आपको शायद ये विजिबल होगा सब कुछ, है ना, नोट डाउन कर लो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप कर रहे हैं, करें, ठीक है जी। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फटाफट से, हमारे को दिख जाएगा। हाँ जी, तो 2015 के क्वेश्चन खत्म है ना। 2016 का भी मैं आपको एक क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में करा चुका था, 2015 का जो एक बच गया था वो हमने देख लिया पीडीएफ वाला, है ना। तो 2015 ईयर के क्वेश्चन सारे कंप्लीटेड हैं, 2016 का एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करा दिया था, तो बचे हुए क्वेश्चन हम इस लेक्चर में देख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये भी देखो 2016 का ही क्वेश्चन है, फटाफट से चेक करते हैं। देखो पीडीए का ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखो, कंसीडर द ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ ए पीडीए गिवन बिलो विद इनपुट अल्फाबेट सिग्मा ए बी, मतलब ए बी पे हम स्ट्रिंग बनाएंगे, एंड स्टैक अल्फाबेट इज स्टैक अल्फाबेट टाउ इज एक्स कॉमा जेड, ठीक है, जेड इज द इनिशियल स्टैक सिंबल, ये आपको बता दिया गया है। तो एक्स मतलब अब जो भी आप चाहे ए पढ़ो चाहे बी पढ़ो, आप उसको एक्स बना करके पुश करोगे स्टैक के अंदर। बस ये कहानी है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है, टाउ एक्स जेड देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। Z तो हमारे पास भी इनिशियल पुशडाउन सिंबल है, ठीक है, Z इज
इनिशियल पुश डाउन सिंबल जो कि हम स्टैक में रखते रखते थे, स्टैक हमारा कभी खाली नहीं होता ना भाई, स्टार्टिंग में जब हम पीडी स्टार्ट करते हैं, जैसे ही पीडी को स्टार्ट करते हैं तो स्टैक हमारा खाली नहीं होता, उसमें हमारे पास इनिशियल पुश डाउन सिंबल होता है। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं बता तो पीडीए के कंस्ट्रक्शन के वीडियो देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है, 10 वीडियो बनाए, बहुत मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा रखा है, ठीक है जी। तो हमने करना क्या है भाई, चाहे आप ए पढ़ो चाहे आप बी पढ़ो, आप एक्स पुश करोगे स्टैक के अंदर, मतलब ए पढ़ा तो भी स्टैक के अंदर एक्स पुश करोगे, बी पढ़ा तो भी, मतलब जो भी करना होगा सिंपल बात इतनी करो, चाहे ए पढ़ा चाहे बी पढ़ा, जो भी आपको कुछ भी करना है, मतलब पुश करना है ना स्टैक के अंदर, तो आप ए या बी पुश नहीं कर सकते, आपको एक्स पुश करना पड़ेगा, बस ये कहानी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको यहाँ से चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। और जेड हमारा इनिशियल पुश डाउन सिंबल, ठीक है जी। आगे ये कह रहे हैं, लेट एल डिनोट द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द पीडीए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये आपसे पूछ रहे हैं, देखो बहुत सिंपल है, देखते ही आपको समझ में आएगा, ए जेड तो एक्स जेड, ये हमारा नॉर्मल है, जो हम पीडीएफ मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, है ना, जैसे मैंने आपको पीडीएफ पढ़ाया बिल्कुल उसी स्टाइल का ही क्वेश्चन है, मतलब इसमें अब वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा था थोड़ा सा ट्विस्टेड था, यहाँ पे कोई ऐसा ट्विस्टेड नहीं है, नॉर्मल बात है, ठीक है जी। तो क्योंकि इसने जेड आपको बता दिया ना, प्रॉपर इनिशियल पुट डाउन सिंबल है, ठीक है जी। तो ए जेड एक्स जेड, तो मतलब आपने स्टैक में टेप से आपने ये पढ़ा, स्टैक से आपने जेड रीड करा, तो आपने एक्स और जेड दोनों स्टैक के अंदर पुश कर दिया, तो मतलब ए को आपने एक्स बना करके पुश कर दिया, फिर ए एक्स और फिर एक्स एक्स पुश कर दिया, तो मतलब टेप पे आपने ए पढ़ा, स्टैक से आपने एक्स पढ़ा, तो डबल एक्स आपने स्टैक के अंदर पुश कर दिया, तो मतलब जो भी आप एज पढ़ रहे हो, तो डायरेक्टली डायरेक्टली आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा भाई, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जितने भी आपने एज पढ़े सारे के सारे आपने पुश करते चले गए स्टैक के अंदर, ठीक है जी। और क्योंकि हमारी इनिशियल फाइनल है, तो यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा, जो लैंग्वेज एक्सेप्टेड सबसे छोटी लैंग्वेज क्या होगी भाई, ए पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इतनी बात पकड़ो आराम से, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहते हैं ए पावर जीरो, मतलब नल, इनिशियल फाइनल है तो नल तो एक्सेप्ट होना ही था, तो मैंने नल भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, मतलब एनी नंबर ऑफ एज, ओनली एज अगर होंगे स्ट्रिंग के अंदर तो भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा। जरा सा भी डाउट आ रहा है तो भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडीए के वीडियो देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे सॉल्व भी करा रखे हैं, ठीक है जी। तो ए पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट होनी होनी है, साथ साथ अब यूनियन करके हम देखेंगे कि और क्या एक्सेप्ट करा सकते हैं। देखो भाई सारे ए हमारे पुश होते चले गए, उसके बाद बी एक्स नल, तो मतलब बी आते ही हम कटाई शुरू कर रहे हैं, बी एक्स नल, तो मतलब बी जितने भी आएंगे हम एक्स के साथ उनकी कटाई करते चले जा रहे हैं। एक्स क्या था भाई, ए ए को आपने एक्स बना करके डाला था ना भाई, तो ए बी हम काटते चले जा रहे हैं, काटने के बाद अब स्टैक से हमने जेड पढ़ा, स्टैक से अगर आपने जेड पढ़ा तो मतलब स्टैक हमारा खाली हो चुका है, तो मतलब और टेप से आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो दैट मीन्स व्हाट, हमारे बीज भी खत्म है और ए भी खत्म है, तो ए और बी बराबर होंगे, तो भी हम फाइनल सेट पे जा रहे हैं, तो मतलब ए पावर एन बी पावर एन सच दैट, बस यहाँ पे मुझे जरा समझा दो क्या आएगा, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा या एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन आएगा, बस यहीं पे थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन आती है मेरे को, फटाफट से आप दूर करो। देखो सीधी सी बात है भाई, ए पावर एन बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन जीरो अगर आपने लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि कम से कम एक और कम से कम एक भी तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि हमने एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो लगा दिया, तो नल एक्सक्लूड हो गया, यहाँ पे नल नहीं आया, और नल हमारा यहाँ पे आ रखा है क्योंकि हमने यूनियन करवा रखा है दो लैंग्वेजेस का, तो नल हमारा यहाँ पे आ रखा है, ठीक है जी। तो बस सिंपल बात इतनी करो आप मेरे से, ए पावर एन बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक नल आया एक्स्ट्रा, है ना, और यहाँ पे बस नल नहीं आया, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, और नल आपने यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लीज इस बात को समझो, चाहे आप ये लिखाओ, ठीक है, इन दोनों का यूनियन करा करके लिखाओ, चाहे आप ये लिखाओ, तो मतलब दोनों इक्विवेलेंट होंगे, a पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूनियन a पावर n b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस क्या होगा भाई, नल आपने यहाँ इस लैंग्वेज में भी नल हो गया, इस लैंग्वेज में भी नल हो गया, है ना, और यहाँ पे बस यहाँ पे नल नहीं हो, बट यहाँ पे नल हो गया, तो यूनियन का मतलब होता है एक जगह भी नल हो गया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, है ना। और इनफैक्ट बहुत तरीके हैं लिखने के इस चीज को, है ना, तो आप ऐसे भी लिख के भाग सकते थे क्योंकि हम यूनियन करवा रहे हैं लैंग्वेजेस का, तो आप ये भी बोल सकते थे a पावर n n इज ग्रेटर देन 0 यूनियन ए पावर एन बी पावर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मतलब नल आपको किसी तरीके से इंक्लूड करना है, चाहे आप इस लैंग्वेज में कर लो चाहे आप इस लैंग्वेज से कर लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो आपको देख रहा होगा कि ये चीज तो आपको बिल्कुल ही गलत लग रही होगी कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, ए पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन जीरो यूनियन ए पावर एन बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 100% करेक्ट है ये बात, प्लीज 100% इस बात पे तारे बना लो, आज नहीं तो कल ये आ जाएगा क्वेश्चन और आपको गेट एग्जाम में फंसा देगा, क्योंकि आपके दिमाग में यही चलता रहेगा, क्योंकि इनिशियल हमारी फाइनल है तो एनी नंबर ऑफ एज आर एक्सेप्टेड, तो ए पावर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और बाय चांस ऐसे हो सकता है कि किसी भी ऑप्शन में ए पावर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आपको नजर ही ना आ रहा हो, ऑप्शन में आपको ए पावर एन एन इज ग्रेटर देन जीरो नजर आ रहा हो, तो फिर आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, आगे चल के देखना पड़ेगा यूनियन में क्या कह रहा है। तो यूनियन में देखो इसने आप फिर यहाँ पे टेस्ट दे दिया कि ए पावर एन बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जैसे इसने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो नल हमारा इंक्लूड हो गया,
आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो मेन बात क्या भाई, बायो और माइक्रो का आपको नल इंक्लूड करना है। चाहे आप नल इस लैंग्वेज में इंक्लूड कर लो जहां हाथ चल रहा है वहां ध्यान लगाओ, चाहे आप यहाँ पे इंक्लूड कर लो नल, चाहे आप यहाँ पे इंक्लूड कर लो नल, है ना, चाहे आप दोनों में इंक्लूड कर लो। तो इस लैंग्वेज में इसमें क्या हुआ, दोनों में नल इंक्लूडेड हो गया, इसमें क्या हुआ यहाँ पे इंक्लूड हो गया नल, और इसमें क्या हुआ यहाँ पे इंक्लूड हो गया नल। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तीनों के तीनों बराबर है, इट हार्डली मैटर्स टू मी। इतनी बात समझ आ गई ना सब लोगों को, ठीक है जी। तो अब बस हमारे को जब पहचान हो चुकी है तब हम ऑप्शंस के हिसाब से चेकिंग कर सकते हैं आराम से, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है जी। ओके, तो अब आपसे क्या पूछ रहा था, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताओ जरा मेरे को फटाफट से, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एल ए पर एन बी पर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू जीरो एंड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी फाइनाइट ऑटोमेटा, ये बात बिल्कुल गलत हो गया है ना, क्यों, क्योंकि एल ए पर एन बी पर एन तो नहीं है भाई, ए पर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। तो ओनली एज भी तो एक्सेप्ट हो रहे हैं। अगर आपको जरा सा भी डाउट लग रहा है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, प्लीज मेरे कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडीए के वीडियो देखो, मैंने वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, 10 वीडियोज मैंने बनाए हैं, कैटेगरी बाय कैटेगरी मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। तो पीडीए में ये लगा लो लगभग मैंने 11-12 घंटे लगाए हैं और पूरा डिटेल में पिन पिन पॉइंट तक अच्छे से नॉलेज दिया। तो प्लीज आप मेरे वीडियो देख लो, वहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने जल्दी जल्दी काम किया समझ नहीं आ रहा, तो वीडियो चेक कर लो, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गया, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ए पर एन एन इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यूनियन ए पर एन बी पर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इज नॉट एक्सेप्टेड। देखो लैंग्वेज तो बिल्कुल ठीक है, ए पर एन, ये देखो आप ये वाली लैंग्वेज इन्होंने दे रखी है, मैच कर लो भाई, ये वाली लैंग्वेज दे रखी है एंड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी डिटर्मिनिस्टिक पीडीए and is not accepted by any deterministic PDA. नहीं बकवास है बात, deterministic PDA से तो accept हो रही है, ये क्या बना रखा है आपने, DPDA तो बना रखा है, इसमें क्या टेंशन है भाई। अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि ये DPDA क्यों है एंड तो कंस्ट्रक्शन के वीडियो देखो भी, मैं यहाँ पे अब DPDA एंड DPDA ये सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, अननेसेसरी बातें हैं, रफली बात बोल के भाग जाऊंगा। DPDA का मतलब क्या होता है, यूनिक मूव होना चाहिए और नल मूव है तो ट्रू मूव ना हो, ट्रू मूव है तो नल मूव नहीं होना चाहिए, वही फाइनल स्टेट मतलब स्टेट और इनपुट कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, सेम स्टेट और सेम इनपुट कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास नल मूव है तो ट्रू मूव होना चाहिए, ट्रू मूव है तो नल मूव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना, नल मूव तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे आई है, नल जेड जेड, है ना, और कहीं नल मूव है ही नहीं। और आप समझ पा रहे भाई, जेड मतलब ये जो स्टेट है इसको मैं लेबल कर देता हूँ, सपोज कर लो ये स्टेट है जी ए, ये मान लो, या चलो ए आपको कंफ्यूज करेगी तो ये लो, ये ले लो एक्स, ये ले लो वाई और ये ले लो जेड। तो वाई स्टेट पे आप जेड पढ़ा रहे हो, है ना, तो मतलब यू कैन से जब आप वाई स्टेट पे हो और आपने जेड रीड करा है तो आपके पास नल मूव है, बट वाई स्टेट पे हो जेड रीड करके ट्रू मूव नहीं है हमारे पास। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, पता नहीं मैंने इतना सब बोल क्यों दिया, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं थी, आपको इतना समझ में आता होगा। नहीं समझ आता तो प्लीज मेरे कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडीएस के वीडियो देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है प्रॉपर डिटेल में, समझाया था एनडीपीडीए क्या है, डीपीडीए क्या है, डीपीडीए के लिए क्या चाहिए होता है एंड ऑन, सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आप लोगों को, ठीक है, प्लीज आप चेक कर लेना, ठीक है जी। तो ये तो परफेक्ट एग्जाम्पल है डीपीडीए का, बनाई इन्होंने डीपीडीए रखा है, है ना। तो ऐसे कैसे बोल दिया इसने कि नॉट एक्सेप्टेड बाय डिटर्मिनिस्टिक एनी डिटर्मिनिस्टिक पीडीए ऑटोमेटा, तो ये सिर्फ आपसे कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन दिया और कुछ नहीं, है ना। तो ये तो डीपीडीए ही बना के दे रखे हैं, जिसको नॉलेज होगी वो एक झटके में पकड़ गया होगा, तो दिस इज डीपीडीए, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। अच्छा, एल इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी ट्यूरिंग मशीन दैट हॉल्स ऑन एवरी इनपुट, नहीं बकवास है बात, क्योंकि अगर ट्यूरिंग मशीन विच हॉल्स ऑन एवरी इनपुट तो वो कौन सी होती थी, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन क्या एक्सेप्ट कराती थी, आरईसी लैंग्वेज, रिकर्सिव लैंग्वेज। तो अब आपको देखते नजर आ रहे भाई, पीडीए बन गया तो सीएफएल है, सीएफएल है तो पक्की बात है सीएसएल है, सीएसएल है तो आरईसी भी है, तो सभी है ये, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, और इनफैक्ट आरईसी है तो आरई भी है, है तो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट होनी होनी है, इसमें कोई मना ही नहीं है इस बात में, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी गलत होगा, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन हमारा ठीक बनता है, है ना। और ये इसने देखो लिख रखा है ए पर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यूनियन ए पर एन बी पर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इज डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्टुअल लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक है भाई, दिस इज डीसीएफएल, है ना। तो सीएफएल से और अच्छा बोलते हैं दिस इज डीसीएफएल, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक पोजीशन ऑटोमेटा मैंने आपको बना करके दिखा दिया, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आपको शायद कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग जंप कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन अच्छा था, दो नंबर का क्वेश्चन था ये, देखो मेरे को लग भी रहा था दो नंबर का ही होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट्स थे, क्योंकि पीडीए इतना इजी नहीं है, मैंने आपको बताया भी था पीडीए इतना, मतलब अगर आपने मेरे वीडियो देख रखे हैं तो आप इसको केक वॉक किए थे, एक झटके में सॉल्व कर गए, इसमें कुछ खास बात थी नहीं, लेकिन पीडीए को थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा मतलब ब्रेन चाहिए और मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके बिना हम क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो जनरली पीडीए का जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो दो दो नंबर के ही होते हैं, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन मैंने बहुत कम देखे पीडीएफ पे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। हाँ जी, तो नोट डाउन कर लेना भाई आप लोगों ने, है ना, छोटा कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना इसको। हाँ जी, तो ध्यान रखना भाई स्टेप से, है ना। तो ये नई बात मैंने आपको समझाई है, प्लीज ये ध्यान रखना, जो तीन बातें बताई हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेट एग्जाम में आपको कंफ्यूजन में डाल सकती है, ठीक है जी। ओके जी, तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, नल एक्सेप्ट कराना था तो किसी भी लैंग्वेज से करा लो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दो लैंग्वेज है ना भाई, दोनों में से किसी एक में भी नल डाल दो हमारा काम खत्म है, जरूरी नहीं कि दोनों में हम नल डालें, ठीक है जी। चलिए ओके, ठीक है, चलिए मैं और ज्यादा नहीं बोलता, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं, कर लो नोट डाउन, कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम जंप कर रहे हैं।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस L1 हैज ए पावर n, बी पावर m, सी पावर n प्लस m, m n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, L2 हैज ए पावर n, बी पावर n, सी पावर 2 n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहले तो ये मतलब वही बात है, CFLM सोन ये सब फालतू की बातें पूछ रहे हैं आपसे, बहुत बेसिक सी बातें हैं। फालतू तो क्या, बहुत बेसिक सी बातें, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल मुफ्त के नंबर है। ये क्वेश्चन मेरे को पर्सनली बहुत ईजी लगते हैं और शायद आपको भी बहुत ईजी लगते होंगे। अगर आपको टफ लगते हैं तो आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस का मेरा वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है, प्रॉपर 4 टेस्ट समझाए थे मैंने आपको, और उन 4 टेस्ट की हेल्प से हम फटाफट से पता लगा लेते हैं कि किस टाइप की लैंग्वेज है। आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेज 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया था ये, है ना, तो लगभग 2 ढाई घंटे मैंने लगाए थे एक्सप्लेन करने में, लेकिन एक एक पॉइंट मैंने क्रिस्टल क्लियर कर रखा है, ठीक है जी। तो आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेज के वीडियो में मैंने ये सब एक्सप्लेन कर रखा है, आप चेक कर लेना, ठीक है जी। तो देखो भाई, तो ये तो देखते समझ में आ रहा है भाई, दिस इज व्हाट CFL, ठीक है ठीक है, थोड़ा अच्छा बोलते हैं, DCFL है ना, तो ए पार एन, बी पार एन, सी पार एन प्लस, मतलब ए पुश करेंगे, बी पुश करेंगे, सी से हम लोग कटाई करेंगे, कहीं पुश पॉप में कंफ्यूजन नहीं, तो सीधी सी बात है, दिस इज DCFL, 100% DCFL। और डाउट है तो आप आइडेंटिफाइंग DCFL का वीडियो देखो, मैंने वहां पे भी सब एक्सप्लेन कर रखा है, 2 वीडियोस मैंने बनाए थे आइडेंटिफाइंग द DCFL पे, उसमें मैंने ये सब एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो DCFL है, DCFL है, तो आगे अपने आप से समझ पा रहे होगे, CFL है, CSL है, एंड सब कुछ है। आगे ये क्या है भाई, देखते नजर आ रहा होगा, देखो तीनों में कंपेरिजन हो रहा है ना, तो ए बी और सी तीनों में हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसे बनेंगे भाई, CSL बनेंगे, ठीक है जी। ओके जी, तो बस बोथ L1 एंड L2 आर कॉन्टेक्स्ट फ्री, बकवास है बात, L1 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री व्हाइल L2 इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, यस ये बात बिल्कुल ठीक है, L1 तो कॉन्टेक्स्ट फ्री है बट L2 नहीं है, और थोड़ा अच्छा बोल तो कॉन्टेक्स्ट फ्री से, थोड़ा और अच्छा बोल देना चाहे तो डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए ठीक है जी, तो सी अब वही बात है, MCQ है, तो आप आगे अपने आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ देता हूं, L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री बट L1 इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं, बकवास है बात, कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, नीदर L1 और L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं, ये बात भी बकवास है, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, चलो ठीक है, नोट डाउन कर दिया होगा आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं जंप कर रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी थी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम इस पे लगा दिया है ना, चलिए ठीक है। ओके, लैंग्वेज L1 इज डिफाइंड बाय द ग्रामर S1 ए, S1 बी और नल, L2 इज डिफाइंड बाय द ग्रामर S2 इज ए, ए बी, S2 और नल, ठीक है जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट L1 इज रेगुलर, तो ये ग्रामर गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज आपसे पूछ रहे हैं, तो लैंग्वेज भी देखो फटाफट से, लैंग्वेज इतना तो आपको पता है भाई, ए पावर एन, बी पावर एन, सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये लैंग्वेज देखते ही समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है, DCFL है भैया, ठीक है, देखते समझ आ रहा होगा, दिस इज DCFL, और रेगुलर ये नहीं है, रेगुलर तो नहीं है, क्यों, क्योंकि कंपैरिजन हो गया और बी में, और ये क्या है भाई, ये है भाई ए बी का होल स्टार, देखते ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, देखो सबसे छोटा स्ट्रिंग नल पैदा हो रहा है, नल के बाद ए बी पैदा हो रहा है, फिर ए बी के पीछे, ए बी के पीछे, ए बी जितने चौथे ए बी आप जोड़ सकते हो, तो ए बी का स्टार, ये लैंग्वेज तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दी गई है, तो सीधे सी बात है, दिस इज रेगुलर, ठीक है, लैंग्वेज जनरेटेड इज रेगुलर, और वैसे भी देखते समझ आ रहा होगा कि जो ग्रामर है ये रेगुलर ग्रामर है, रेगुलर ग्रामर है तो पक्की बात है रेगुलर लैंग्वेज ही पैदा करवा पाएंगे, ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है जी। तो L1 इज रेगुलर, बकवास है बात, L2 इज रेगुलर, यस ये बात बिल्कुल ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था मेरे हिसाब से, देखो 1 नंबर का ही है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, फिर भी मैंने टाइम लगा दिया, इतना मेरे को टाइम लगाना भी नहीं चाहिए था, ठीक है जी, नोट डाउन कर लो फटाफट। हाँ जी, तो अब ऑप्शन आपको पता लग चुका है भाई, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, L1 इज रेगुलर गलत है, L2 इज रेगुलर ये बात बिल्कुल ठीक है, तो मतलब Q इज ट्रू, P इज फॉल्स, P इज फॉल्स, Q इज ट्रू, C C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आप जंप कर रहा हूं, नोट डाउन कर लेना इसको फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच द फॉलोइंग ग्रामर इज फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट रिकर्शन से कौन सी फ्री है ये हमारे को बताना है, एस इम्प्लाइज ए बी, ए इम्प्लाइज ए, ये देखो भाई ये बात है, लेफ्ट रिकर्शन फ्री का था लेफ्ट रिकर्शन से, तो ये ऑप्शन गया, उसमें देखो भाई ए बी, बी बी, सी और ए इम्प्लाइज बी डी नल और बी इम्प्लाइज सी, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो भाई एस से ए बी पे जा रहे हैं, ए से बी डी पे जा रहे हैं, बी से ई पे जा रहे हैं, ठीक है जी, तो कहीं कोई रिकर्शन है ही नहीं, देख पा रहे हो आप लोग, और एस गोज टू बी बी और फिर ये ई आ जाएगा एंड सो, तो फाइनाइट लैंग्वेज है भाई यहाँ पे, देखते ही नजर आ रहा होगा, और क्या लैंग्वेज है इसकी, एल जी, ये आप अपने आप होमवर्क में लिखेंगे, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा, सीधा सीधा मैंने बता दिया फाइनाइट लैंग्वेज है, और कहीं पे भी कोई रिकर्शन नहीं, रिकर्शन होती तो फिर लैंग्वेज इनफाइनाइट बन सकती थी, ये बात ध्यान रखना, लैंग्वेज अगर रिकर्शन हो तो लैंग्वेज इनफाइनाइट बन सकती है, जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट बनेगी बनेगी, क्यों, क्योंकि हो सकता था कि यूजलेस सिंबल हमारे पास, जैसे सपोज कर लो मैं बोल देता हूं एस गोज टू ए ए और से ए, ठीक है, और मैं ए गोज टू कर देता हूं ए ए और ए बी, ऐसे करके अब देखो मैंने रिकर्शन यहां पे घुसा दिया, ए ए नजर आ रहा होगा आपको, राइट रिकर्शन है, बट लैंग्वेज जनरेटेड विल बी ओनली ए, ठीक है, तो इसकी जो लैंग्वेज जनरेट होगी, लैंग्वेज जनरेटेड मुझे जरा समझाओ फटाफट से, लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर विल बी ओनली ए, दैट इज फाइनाइट लैंग्वेज, तो रिकर्शन प्रेजेंट है उसके बावजूद लैंग्वेज फाइनाइट आ रही है, क्यों, क्योंकि सिंबल यूजलेस निकला, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि रिकर्शन हो तो लैंग्वेज इनफाइनाइट आएगी आएगी, नहीं ये कोई जरूरी नहीं है, और बट ये बात तय है कि अगर रिकर्शन ना हुई तो लैंग्वेज फाइनाइट आएगी, ठीक है, और वन वे थ्योरम बन गई भैया, ठीक है, तो नो रिकर्शन, नो रिकर्शन, नो रिकर्शन मीन्स लैंग्वेज इज फाइनाइट या एल जी इज फाइनाइट, ठीक है, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये सब बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है, ये शायद मैंने कहीं शायद लेक्चर में डिस्कस करें या नहीं करें मेरे को याद नहीं है, तो नहीं करें तो प्लीज आपके लिए एक नया पॉइंट आएगा, तो नो रिकर्शन मीन्स एल जी इज फाइनाइट,
और ये कैसी है भाई, वन वे थ्योरम है। तो वन वे थ्योरम तो आप समझ गए होगे भाई, तो वही बात है हम मतलब इसको घुमाते रहेंगे है ना। तो चार क्वेश्चन बन जाएंगे ना यहाँ पे, वन वे थ्योरम है तो फिर ये हो गया डायरेक्ट। तो कॉन्ट्रा तो इनवर्स, इनवर्स क्या होगा भाई, एल जी अगर फाइनाइट है, एल जी इज फाइनाइट इम्प्लाइज नो रिकर्शन, ठीक है, एल जी इज फाइनाइट इम्प्लाइज नो रिकर्शन। नहीं बकवास है बात, ये देखो फाइनाइट लैंग्वेज थी बट रिकर्शन बैठी थी यहाँ पे, सिंपल यूजलेस हो तो हम क्या करें, ठीक है। हाँ जी, तो ये बात गलत होगी, तो वही बात आपको बता भाई, इनवर्स गलत है ना, सॉरी कन्वर्स, ये हमने कन्वर्स किया है ना, तो दिस कन्वर्स, कन्वर्स इज रॉन्ग। इनवर्स क्या बनेगा भाई है ना, तो नो रिकर्शन का प्लीज वो आप अपने आप कर सकते हैं, इनवर्स आप चेक कर लेना भाई, इनवर्स रॉन्ग आएगा है ना। तो हम इस पे भी नॉट लगा देंगे और इस पे भी नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ, थोड़ा अगर टाइम सेव करना है तो मैं इसको बोल देता हूँ, से दिस इज योर पी, दिस स्टेटमेंट इज पी, एंड से दिस स्टेटमेंट इज क्यू, ठीक है जी। तो क्यू इंप्लाइज पी, दैट वाज कन्वर्स, तो कन्वर्स हमारा फॉल्स निकला, ठीक है, आपको पता ही था कन्वर्स फॉल्स निकलना ही था। अच्छा जी, फिर इनवर्स नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, ये भी फॉल्स निकलेगा, तो मतलब रिकर्शन है, तो इसका मतलब एल जी हमारा इनफाइनाइट होगी। नहीं, ये तो दोनों बातें इक्वलेंट होती थी, आपको पता है रिकर्शन है तो फिर लैंग्वेज इनफाइनाइट निकलेगी, अब बकवास बात है ये है ना, रिकर्शन देखो बैठी लैंग्वेज फाइनाइट निकली है ना, ये दोनों बातें इक्वलेंट है, प्लीज आप अपने चेक कर सकते हैं, मेरे से ज्यादा मत बोलो, आपको सब पता है, ठीक है जी। और बाद में बनेगा जी कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा भाई, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, ये बात 100% और निकलेगी, तो मतलब अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट तो रिकर्शन होगी ही होगी, ये सही बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, दैट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो ये बराबर निकलेगा। यही तो फायदा ना भाई लॉजिक पढ़ने का, अगर आपने लॉजिक पढ़ा हुआ तो एक झटके में इन सब चीजों को पकड़ पा रहे होगे, अगर आपने मेरे टीओसी के लेक्चर देख रखे हैं तो भी आप इस सब चीजों को झटके में पकड़ पा रहे होगे, नहीं तो शायद हो सकता है आपके हवा सिर के ऊपर से निकल जाए सारी बातें, ठीक है। बट हैं चीजें बहुत सिंपल, आपको पता होगा सब, ठीक है। चलो ठीक है जी, तो मैंने आपको समझा दिया भाई लैंग्वेज फाइनाइट है ना, और बहुत नॉलेज डीप मैंने आपको दे दी है यहाँ पे, हाँ जी, और कहीं कोई रिकर्शन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, इसने क्या कहा था, फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन कहा था, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब कोई रिकर्शन है नहीं तो ठीक है, लेफ्ट रिकर्शन से अपने आप से फ्री है, ठीक है, नजर आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा जी, उसके बाद देखो भाई सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या हो रहा है, ए ए बी है ना, ए गोज टू बी बी, एस सी और नल, और बी गोज टू डी। अगर आपने मेरे जीएनएफ के वीडियो देख रखे हैं ना, तो कन्वर्जन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर टू जीएनएफ, ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म, अगर आपने ये मेरे वीडियो देख रखे हैं, इसलिए मैंने इतना टाइम स्पेंड किया था। आपको लगता है कि सर पता नहीं आपने इतना क्यों टाइम लगा दिया, एंड सो ऑन, टाइम स्पेंड इसलिए किया था क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन घुमा घुमा के आते जो कंफ्यूज करता है, मेरे को लग भी रहा था दो नंबर का क्वेश्चन होगा, देखो दो नंबर का ही है, ठीक है ना। मैंने सब एक्सप्लेन किया था, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से हम जीएनएफ जब बना रहे होते थे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे, और मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट रिकर्शन प्रॉब्लमेटिक होती थी ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म के लिए, तो लेफ्ट रिकर्शन हमारे को उड़ानी होती थी, तो कई बार हमारे को लेफ्ट रिकर्शन नजर नहीं आती थी, तो हम उसको इंड्यूस करवाया करते थे और उसके बाद हम काम कराया करते थे, याद आ रहा है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो आराम से ऐसे देखते ही समझ में आएगा आपको, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने मेरे वीडियो देख रखे हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से जीएनएफ बनाने के वीडियो देख रखे, कन्वर्जन ऑफ सीएजी टू जीएनएफ, ये सब देख रखे आपने, तो बहुत जल्दी जल्दी आप एक झटके में इसको पकड़ गए। देखो भी क्या हो रहा है, एस इंप्लाइज ए और बी, ए इंप्लाइज बी बी, और एस सी और नल, तो ए की वैल्यू देखो, जो ए की वैल्यू है ना, ये पूरा था ना भाई, ए की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा, देखो भाई अपने आप से लेफ्ट रिकर्शन पैदा हो जाएगी। तो एस इंप्लाइज जो ए था, मैं ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं, बार बार समझो भाई, बी बी और ए, या फिर एस सी और जो पीछे ए लगा हुआ वो मैंने ए लगा दी, या फिर नल था, तो नल है तो फिर वो ऑब्वियसली ए का आ जाएगा, और बी आ गया, ए इंप्लाइज बी बी और एस सी और नल और बी इम्प्लाइज डी, ये देखो भाई लेफ्ट रिकर्शन एस और एस, बस वही बात खत्म होगी, समझ गए ना, मैंने ए की वैल्यू उठा करके भर दी। ये सब मेरा कैसे दिमाग चला, मैंने कैसे सोचा, ये सब चीजें मैंने प्लीज बहुत ध्यान से पूरे डिटेल में मैंने आपको समझा रखी है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से जीएनएफ की वीडियो देखो, मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है आप लोगों को, ठीक है जी। ओके जी, तो आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको, तो हमने ए की वैल्यू पुट करी और वहां से हमारे पास लेफ्ट रिकर्शन पैदा हो गई, ठीक है जी, तो ये ऑप्शन भी गया। अच्छा जी, यहाँ पे चेक करो भाई, ए ए बी बी और सी, ए गोज टू बी डी और नल, एंड बी गोज टू ए और नल, ये देखो इनमें लेफ्ट रिकर्शन बैठी है, तो आप क्या करो, बी की वैल्यू उठा के पुट करो, देखो बी में ए बैठा है ना, तो ए और ए ये अपने आप लेफ्ट रिकर्शन पैदा करेगा, चेक करा देता हूँ मैं आपको, ए इम्प्लाइज बी की वैल्यू पुट कर लेना भाई, ए डी और डी और नल, ठीक है, मैंने क्या किया, बी की जो वैल्यू थी वो यहां से उठा करके पुट कर दी, तो ए के पीछे डी और नल के पीछे डी, मतलब ओनली डी आ जाएगा, तो लो भाई ए और ए ये मैच हो गया, लेफ्ट रिकर्शन पैदा होगी, तो ठीक है जी ये भी गया, ठीक है जी, तो ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। वैसे तो एमसीक्यू याद थे 2016 तक, तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन ठीक होना था बी, बट स्टिल मैंने बाकी सबकी भी चेकिंग करा दी आपको, ठीक है। तो पकड़ में आ गया सबको, छोटा कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करूंगा, कर लो भाई नोट डाउन, ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ रहा हूँ आप, हाँ जी। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ऑफ अल्फाबेट सिग्मा ए बी सी विद एस एज द स्टार्ट सिंबल, एस क्या है भाई, ए बी एस सी टी, ए बी सी टी, टी इम्प्लाइज बी टी और बी,
है ना, एक बार देख लेते हैं भाई कितने क्वेश्चन बचते हैं, थोड़ा सा मैं थक रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर इनको क्या। हाँ ठीक है, थोड़े बहुत ही हैं तो इनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ठीक है, इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने 2016 तक के आपको क्वेश्चन ही कराए हैं, है ना, तो 2017 का ही क्वेश्चन था, तो ठीक है अच्छी बात है, 2017 के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन बड़े इजी है, आप बेसिक से इसको नोट डाउन करके आप होमवर्क में सॉल्व भी कर सकते हो। तो बाकी ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, मैं बता देता हूँ, एक ये दो दो क्वेश्चन है ये, है ना, तीन ये चार, है ना, पांच छः, छः और मेरे ख्याल ये सात, बस ठीक है, सेवन क्वेश्चन है। तो आराम से हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको कवर अप कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।